बीते गुरुवार की सुबह हायर सेकेंडरी स्कूल रजपुरा परिसर में बुजुर्ग का संदिग्ध अवस्था में रक्त रंजित शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे रजपुरा थाना प्रभारी राजीव पुरोहित अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मृतक बब्बू सिंह की गर्दन पर धारदार हथियार के जख्म और हत्या के संदेह को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना के बाद एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने अज्ञात पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है, जिसके बाद दमोह पुलिस अधीक्षक डीआर तनिवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुकुमार सिंह, अनुविभागीय अधिकारी हटा वीरेंद्र बहादुर सिंह के निर्देश पर रजपुरा थाना प्रभारी राजीव पुरोहित ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए टीम गठित कर संदेहियों की पतासाजी की और घटना के 24 घंटे के भीतर ही हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। विगत 18 तारीख को एक बब्बू आदिवासी की कत्ल हुई थी। उस कत्ल के इल्ज़ाम में गुरु तिवारी के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी में घटना से लेके गिरफ्तारी तक हमारे थाना प्रभारी ने, उनके स्टाफ ने अथक मेहनत की। क्या है सर, आरोपी को न्यायालय पेश कर दे, क्या कारण से हत्या हुई? आरोपी के लिए मृतक के द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि उसने चोरी की। उस इल्जाम के कारण जिसके यहाँ चोरी हुई थी उसके द्वारा 2-3 तमाचे मार दिए गए थे, इसके लिए उसने बेइज्जती समझी और हत्या का षड्यंत्र किया और घटना को अंजाम दिया। आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? जब हम इस साक्ष्य पे पहुंच गए कि गोलू के द्वारा ही यह हत्या की गई है, तो उसे हमने उसके घर में तलाश की तो घर में उपलब्ध मिल गया, वहीं से उसको गिरफ्तार किया।